सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित चुप्पी शार्ट में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दो तीन दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, मतलब ब्लॉग आ रहा था तो मेजर के जो प्रॉब्लम हुआ था, उसके घाव हुआ था, उससे रिलेटेड आ रहा था। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ गए हैं भाई, कमेंट्स के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि अंकित भाई इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई, काफी ज्यादा कमेंट आ गए, अब कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। क्योंकि मेजर का तबियत खराब था तो भाई मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका घाव इतना बड़ा था ना, तो देख के मतलब मन नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाए इसके, मतलब इसलिए बस घाव पहले इसका सही करना जरूरी था। और जो चीज मैंने फेस किया है वो चीज आप ना फेस करो, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। तो इसका डेटॉल से घाव नहीं ठीक हो रहा था भाई, तो मैं कल डॉक्टर अंकल आए थे तो उसका इंजेक्शन लगाया मेजर का, क्योंकि उस घाव से मैंने डेटॉल लगाया। तो डेटॉल से एक फायदा हुआ कि वहां पे कीड़े पड़ने नहीं दिया, डेटॉल से लगाने की यही फायदा मिला है। क्योंकि डॉक्टर अंकल एक दिन लेट आए तो बोले हैं कि मैंने पूछा कि क्यों ये हुआ है, तो डॉक्टर अंकल ने बोला कि डबल कोट रखे हो तो सेवा करो। हम बोले वो तो करेंगे ही, पहले ये बताइए कि इसका रीजन क्या है कि ये चीज हुआ है। हाँ रुक जो भाई, तो वो बोले हैं कि इन लोगों का ब्लड जो है वो मीठा होता है, हल्का सा कटेगा भी ना तो तुरंत वहां पे घाव हो जाता है, हल्का सा जहां कटा तो तुरंत घाव हो जाएगा। वो बोले कि इसलिए बहुत बचा के रखना पड़ता है, खेल कूद में हल्का सा कहीं चोट लग गया तो तुरंत घाव हो जाएगा, वहां पे तुरंत पक जाएगा, दो तीन दिन ध्यान नहीं दिया तो वहां पे कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये सब रियलिटी है भाई, हकीकत में घाव पड़ जाते हैं। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके बाल इतने बड़े बड़े हैं ना कि दिखता नहीं है, जब घाव हो जाता है तब समझ में आता है कि इसको हुआ है। और ऐसे ही तुम्हारे भाई को समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए अभी घाव हुआ है, इसलिए यही पे बंधा हुआ है, इसको खोल भी नहीं रहे हैं कि नीचे जाए खेले कूदे, ऐसा नहीं, फर्श पड़ा हुआ है। देखो अभी बिल्कुल प्रॉपर फिट है, लेकिन अभी इसका घाव दिखाएंगे ना, घाव धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। देखो बिल्कुल खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि इसको घाव है या नहीं। अभी देखो हम इसका घाव आप लोग को दिखाते, चलो खोलुआ देखो। बट इसको खेलने कूदने में कोई कमी नहीं आ रही है भाई, तो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। इंजेक्शन लगाए थे, इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर अंकल बोला है कि 2 से 3 दिन में सारा सूख के सही हो जाएगा। ठीक, तो इंजेक्शन लगाना पड़ा है, कौन की घाव बढ़ रहा था भाई, ऑन द स्पॉट तुरंत इसको सही करना जरूरी था, तो इसलिए इंजेक्शन तुरंत सही हो जाएगा। और एक चीज जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप टिक्स से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप टिक्स से परेशान है तो मैं टिक्स का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। जैसे कहने का सेंस ये है कि मेजर में अभी शरीर पे टिक्स नहीं है, ठीक, लेकिन कल इसका तबियत खराब था तो मैं आराम से काफी देर तक इसके पास बैठा था, सुबह में कल ही इंजेक्शन लगा ना, तो मैं काफी देर तक इसके पास बैठा हुआ था। तो फिर मैंने इसके पंजे पे ध्यान दिया, पंजे तो भाई बॉडी पे टिक्स नहीं है, जैसे इधर देखो यहाँ पे कमर पे, शोल्डर पे, जबकि सबसे ज्यादा गले पे टिक्स रहते हैं और शोल्डर पे टिक्स रहते हैं, तो इधर एक भी टिक्स नहीं मिले, एक आध दुक्का मिले टिक्स, ठीक, लेकिन भाई साहब इसके पंजे में टिक्स ज्यादा थे, जबकि पंजा बिल्कुल बाल से भरा पड़ा था। आप पिछले वीडियो में देखोगे, देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो कलुआ बैठे जाए, देखो अरे 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 उलट के मत, बैठ बैठे, देखो अभी आप ध्यान से देखो, इसके मैंने सारे बाल काट दिए हैं। उसका रीजन ये भाई मैं बताता हूँ, आप लोग पहले जाओ अपने डॉग के पंजे में देखो, ठीक है, पंजे में इसके ज्यादा टिक्स थे, मत शरीर पर टिक्स नहीं थे, एक भी नहीं थे। तो मैंने हमको लगा रहा था कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टिक्स नहीं है, लेकिन इसके पंजे में टिक्स ज्यादा थे, जबकि पंजे में जल्दी दिखते भी नहीं थे, बाल से बिल्कुल भरे पड़े थे पंजे। अभी देखो मैंने इस वाले पंजे को देखो, तो मैं नेल तो नहीं काटता हूँ क्योंकि नेल इसका सपोर्ट रहता है, खेलता कूदता रहता है, मिट्टी खोदता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पंजे के मैंने सारे बाल काट दिए। तो आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पंजे के बाल काटो, लेकिन आप पहले जाओ अपने डॉग के पंजे में देखो कि उसमें टिक्स है या नहीं, उसमें कुछ इन्फेक्शन है या नहीं। उसमें टिक्स ज्यादा थे प्लस छुपे हुए एकदम आराम से थे, ठीक है, तो ये चीज भी मैं जानकारी दे दूं आप लोगों को। पहले जाओ अपने डॉग के पंजे में चेक कर लो, हर एक पंजे में ठीक से टिक्स है या नहीं है, अगर है तो वहां का एक ही सोल्यूशन है, वहां का बाल वाल आराम से कट कर दो, क्योंकि उसमें आराम से रह रहे हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो हम लोग पूरे शरीर पे चेक करते हैं लेकिन पंजे में ऐसे चेक नहीं करते, लेकिन वैसे पंजे में था। तो अगर आप भी, आपके भी डॉग में टिक्स लगते हैं तो भाई पंजे में ज्यादा ध्यान दे देना, क्योंकि 100% श्योर हो पंजे में मिलेंगे टिक्स। तो अगर वहां पे हैं तो छोटे छोटे हैं भाई, छोटे 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 टिक्स निकलते भी नहीं, हाथ से पकड़े भी नहीं जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने टेक्निक अपनाया है कि इसको, उस छोटे छोटे टिक्स को कैसे निकालेंगे, हाथ से पकड़ोगे पकड़ नहीं पाओगे, प्लस आपका डॉग भी आपको परेशान करेगा, खींचने मत निकालने नहीं देगा। तो छोटी वाली कैंची लेना, टिक्स को वहीं पर काट देना, ठीक है, मैंने वही सॉल्यूशन किया है, क्योंकि टिक्स ज्यादा थे, निकल नहीं पा रहे थे, प्लस मेजर हम बोले मेजर ऐसे ज्यादा बॉडी टच करने नहीं देता है, तो मैंने सारे कैंची से टिक्स को वहीं पे काट दिया, काम खत्म, ना रही बांस ना बाजी बसूरी, ठीक।
तो अगर आप भी, आपके भी डॉग में टिक्स होगा तो बेशक काट लेना भाई। तो इसलिए मैंने सारी डिटेल्स दे दी भाई, मैं काफी ज्यादा परेशान था 2-3 दिन से, और 2-3 दिन में बस मेजर रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कल परसों 2 दिन मेजर थोड़ा सैड सैड था, खेलने कूदने में कोई कमी नहीं आ रही थी लेकिन उदास बैठा हुआ था। तो मैंने इसको नहला के यहीं पे बांध के रखा, भी देख सकते हो जंगल में बंधा हुआ है, बाकी कहीं बस इसको जा रहा हूँ बाहर फ्रेश करा रहा हूँ, लेकर चला रहा हूँ, और बाकी पूरे दिन यहीं पे बैठा रह रहा है। तो बस और 2-3 दिन, 2-3 दिन में रिकवर हो जाएगा, घाव सही हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और अभी नेक्स्ट ब्लॉग से आप लोगों को सारी डिटेल सारी जानकारी देता हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, काफी सारे कमेंट आ गए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि किस कमेंट का, क्योंकि इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बेल आइकन को प्रेस करना, बहुत ही मजा आना, अब आपका अंकित भाई कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।